कर्नाटक के नवाब के दो दावेदार थे, एक कौन हुआ करता चंदा साहेब। चंदा साहेब को किसने साहेब को ढुकले का सहयोग प्राप्त हुआ, ढुकले का क्या हुआ सहयोग या सपोर्ट प्राप्त हुआ। अच्छा ढुकले ने क्यों चंदा साहेब को सपोर्ट कर दिया होगा बताइए, ढुकले ने क्यों चंदा साहेब को, दूसरा दावेदार कौन था तो हम पहले युद्ध में बता ही चुके हैं पराजित किया। ढुकले ने क्यों आखिर चंदा साहेब का साथ, अनवरुद्दीन को तो पहले ही पराजित कर चुका था, अनवरुद्दीन को तो पहले ही पराजित कर चुका था, अनवरुद्दीन तो उसका क्या है शत्रु तो था ही, अब उसको एक चाहिए था जो कर्नाटक में उसका क्या बन पाए मित्र, और उसने एक मौका देखा, कि चंदा साहब क्या कह रहे हैं, चंदा साहब कह रहे हैं कि भैया अब हमारी क्या है, हमारी यहां पर क्या है, हमारी दावेदारी होनी चाहिए, हम कर्नाटक के नवाब बनेंगे, और इनके इन्होंने ढुकले ने इसका, तो अगर ढुकले ने इसका सहयोग किया तो अनवरुद्दीन का किसका सपोर्ट, अनवरुद्दीन का किसने सपोर्ट किया होगा अंग्रेज का, ये तो पहले युद्ध में ही कर रहे थे। हाँ चंदा साहब के पीछे की स्टोरी यह है कि ये अनवरुद्दीन के कह सकते हैं बहन के हस्बैंड, यानी कि कह सकते हैं अनवरुद्दीन ये जीजा टाइप के जीजा हुआ करते थे, यानी कि कर्नाटक के नवाब के ये क्या हुआ करते थे दबाव, जो इससे पहले अनवरुद्दीन के जो पिता थे उनके ये दामाद हुआ करते थे अनवरुद्दीन। चंदा साहब जो हम मराठा पढ़ाएंगे तो वहां पे चंदा साहब को थोड़ा डिटेल में बताएंगे, अभी फिर क्या चंदा साहब पे स्टोरी चली जाएगी ठीक है, कि चंदा साहब को क्यों मराठों ने गिरफ्तार किया, आखिर क्या जरूरत पड़ी मौका देखते ही, क्यों चंदा साहब को रिहा कर दिया गया, एक अलग स्टोरी है उसको। चंदा साहब को यहां पर क्या किया जा रहा है, रिहा किया जा रहा है, और चंदा साहब जब रिहा किया जा रहा है तो चंदा साहब ने क्या कर दिया, चंदा साहब भी कुछ किताबें लिख देते ठीक है, तो चंदा साहब ने अपनी दावेदारी ठोकी कि भैया क्या है कर्नाटक के नवाब हम हैं, जब तक हम नहीं थे तब तक अनवरुद्दीन ने गद्दी संभाली, अब अनवरुद्दीन के क्या करें गद्दी छोड़ दे। अनवरुद्दीन अब भाई जो नवाब बना बैठा है तो कहे दे देगा अपनी गद्दी छोड़ करके, भाई ये कह रहे हैं कि हम बेटे हैं। चंदा साहब कह रहे हैं भैया हम ज्यादा योग्य हैं, हम क्या है ज्यादा योग्य। अब चंदा साहब अब ढुकले ने देखा कि भैया कर्नाटक के नवाब के मध्य में क्या हो रहा है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ढुकले ने कहा भैया अभी ये मौका है फायदा उठाने का, ढुकले का कॉन्फ्लिक्ट था ही अनवरुद्दीन के साथ में, तो ढुकले ने क्या कर दिया चंदा साहब को क्या कर दिया सपोर्ट कर, ढुकले ने क्या कर दिया चंदा साहब को क्या है सपोर्ट कर दिया। उसके साथ साथ मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर हैदराबाद की जो जारी हुआ वेदार जो बोले एक निजामुल मुल्क हुआ करते थे, मृत्यु हो जाती है उनका बेटा नासिर जंग, लेकिन उनका जो दहित्र हुआ करता था उनका जो ग्रैंडसन हुआ करता था मुजफ्फर जंग ने भी दावेदारी ठोकी हम सूबेदार बनेंगे। यहां पर मुजफ्फर जंग की के पक्ष में कौन आ गया, यहां पर मुजफ्फर जंग के पक्ष में आ गया ढुकले। ढुकले का मतलब क्या है, कौन सहयोग दे रहा है फ्रांसीसी सहयोग। अब जाहिर सी बात है एक तरफ फ्रांसीसी आएंगे तो दूसरी तरफ किसको संघर्ष होंगे, अभी आगे संघर्ष हम बता रहे हैं अनवरुद्दीन के बाद, क्योंकि अनवरुद्दीन को तो अभी घेर के मार डाला जाएगा पर भी हम चर्चा करेंगे। तो नासिर जंग है, अब यहां पर सत्ता के लिए संघर्ष हो रहे हैं, सत्ता के संघर्ष के लिए क्या हो रहा है, कौन लड़ रहा है कर्नाटक के नवाब लड़ रहे हैं, हैदराबाद के निजाम लड़ रहे हैं, फायदा कौन उठा रहा है। अब फ्रांसीसी कंपनियों को यह समझना आसान हो या उन्हें अब लगने लगा था जब हमारे लिए बहुत आसान है, अब ये क्या है, अब पूरी तरीके से देखा जाए तो फ्रांसीसी और कह सकते हैं ये अंग्रेज अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहते हैं, जो जीता अब उसके हाथ में क्या होगा, उसके हाथ में हैदराबाद होगा, उसके हाथ में क्या होगा कर्नाटक, क्या होगा कर्नाटक होगा। चलिए क्या क्लियर है अभी तक, अब ये चार करेक्टर आ गए हैं, कहां से आए हैं चारों क्लियर हो गए, चंदा साहब कहां से आ गए, अनवरुद्दीन कहां के नवाब हुआ करते थे ठीक है, मुजफ्फर जंग और उसका क्या नाम है नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और क्या है नासिर जंग, ये भी क्लियर, यानी कि कह सकते हैं संघर्ष शुरू साथ कौन चंदा साहब और किसके साथ है, और किसके साथ है मुजफ्फर जंग, गुट का क्या है एक एक ग्रुप बन रहा है, और दूसरा जो ग्रुप बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है अंग्रेज, अंग्रेजों के साथ कौन कौन आ रहा है अनवरुद्दीन और यही तो बन रहे, ये सत्ता के लिए क्या बन रहे हैं, ये यहीं पर इनका क्या होना है संघर्ष, कार्ड को बना लीजिए बनाना फिर आगे हम बता। एक बार जा करके जब क्लास खत्म होगी घर जाइएगा एक बार इसको डिटेल में
इस पे एक बार सरसरी निगाह से जरूर डालिएगा, वरना पता नहीं लगे। सबसे ज्यादा अगर कोई कंफ्यूजन करता है तो दो ही युद्ध सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, एक आपका मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध साथ जो हो रहा है, और दूसरा जो कौन सा हो रहा है ये कर्नाटक के युद्ध, तो बहुत कंफ्यूज करते हैं, समझ में नहीं आ पाता है कि अनवरुद्दीन कहाँ से आ गए, कौन किसके साथ जा रहा है, क्या जा रहा है, किसके साथ कौन से, इस बात को क्या है जरूर ध्यान रखें। हाँ, कर्नाटक चंदा साहब उनके बहनोई हुआ करते थे, चंदा साहब ने अपनी दावेदारी ठोकी। अब क्यों ठोकी? ठीक है, क्योंकि वो दामाद थे, वो अपने को इनसे ज्यादा योग्य समझ, वो अपने से ज्यादा इनको क्या है योग्य समझ। आइए थोड़ा सा हम घटना देखते हैं। 1749 में हमने आपको बताया क्या हो रही है, 1749 में युद्ध की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, एक असर पड़ता है युद्ध, ठीक है, या बैटल ऑफ अम्बूर अगस्त 1749 में लड़ा गया। अगस्त 1749 में क्या है लड़ा जाता है, ठीक, इसमें कौन कौन शामिल होगा, जफर जंग, कौन कौन शामिल होगा, मुजफ्फर जंग, चांदा साहब, फ्रांस की ज्वाइंट मिलिट्री है, फ्रांस की संयुक्त सेना क्या करेगी, संयुक्त सेना क्या कर रही है, ठीक है, संयुक्त सेना अभी एक टीम में लड़ रहे हैं, फ्रांस क्या है, फ्रांस भी अब एक टीम के रूप में लड़ेगा, उधर अंग्रेज भी लड़ेंगे, अब क्या करेंगे, संयुक्त सेना क्लियर है, अनवरुद्दीन का खेल खत्म। आप भी सोच रहे होंगे चलो कम से कम मुक्ति, आप लोग भी एक से मुक्ति मिली, अनवरुद्दीन की क्या है, अनवरुद्दीन से हमें क्या है बहरहाल मुक्ति मिली, अनवरुद्दीन मृत्यु हुई, कोई तो रहा होगा अनवरुद्दीन, कोई तो अनवरुद्दीन का रहा होगा, अनवरुद्दीन का कह सकते हैं उत्तराधिकारी जो रहा हो, ठीक है, तो अनवरुद्दीन का पुत्र हुआ करता था जो यहां से भागेगा, और भग करके त्रिचुनापल्ली एक स्थान पड़ता है, वहां पर जाकर के क्या लेता है, वो शरण ले लेता है, वहां पर क्या है, यानी अनवरुद्दीन पहले युद्ध जो हो रहा है अम्बूर का युद्ध, अम्बूर का युद्ध किसके किसके मध्य है, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांस की एक संयुक्त सेना है, और अनवरुद्दीन, अम्बूर का युद्ध कब हुआ, 1749 में हुआ, इसमें कौन मारा जाता है, इसमें अनवरुद्दीन मारा जाता है। अच्छा, अब अनवरुद्दीन अगर मारा गया है, कर्नाटक किसके क्षेत्र में चला जाएगा, किसके अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा, कर्नाटक का सर्वे सर्वा कौन हो जाएगा, गलत चंदा साहब हो जाएगा, कि दावेदारी कौन ठोक रहा था, दावेदारी कौन कर रहा था, चंदा साहब क्या बनेंगे, ठीक है, चंदा साहब क्या बनेंगे, चंदा साहब कह सकते हैं, चंदा साहब आप क्या बने, कर्नाटक के क्या बन जाते हैं, नवाब बन जाते हैं। कर्नाटक की कोई बताएगा कि समय की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, आर्काट, इस जगह साइड में उस आर्काट करके है, आर्काट करके है ये कर्नाटक की उस क्या हुआ करती थी राजधानी। चंदा साहब क्या बन जाएंगे, चंदा साहब कर्नाटक के क्या है नवाब बन जाएंगे, दक्कन का सूबेदार देखा तो दक्कन का मुजफ्फर जंग बन, मुजफ्फर जंग क्या है बन जाएगा, यानी कि जो अम्बूर का जो युद्ध है इसमें पूरी तरीके से देखा जाए तो फ्रांसीसी अभी किस भारी पड़ रहे हैं, फ्रांसीसी कहीं ना कहीं अंग्रेजों पर भारी पड़ रहे हैं, और अब पूरा कर्नाटका था वो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी कार्य क्षेत्र में आ चुका, क्योंकि अब यही होता है किंग मेकर की भूमिका में धीरे धीरे अंग्रेज पहुंच, अब क्या कर रहे हैं, चंदा साहब को सपोर्ट करके उनको युद्ध में क्या है जिता रहे हैं, यानी कि अब क्या है अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज अब जो है वो किंग मेकर की भूमिका। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा इसमें कि अनवरुद्दीन का पुत्र, अनवरुद्दीन का पुत्र तुम उत्तराधिकारी मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का पुत्र या उत्तराधिकारी मोहम्मद अली ने भाग कर, मोहम्मद अली ने भाग कर का पुत्र, अनवरुद्दीन का पुत्र भाग कर कहां है त्रिचुनापल्ली शरण ली, यानी कि कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो जान बचाकर भागा, वो क्या है जान बचाकर क्या है यहां पर भागा। अभी तक अंग्रेज शांत थे, त्रिचुनापल्ली बताइए भैया त्रिचुनापल्ली कहां पड़ेगा, तंजावुर के आसपास में पड़ेगा तमिलनाडु, फ्रांसीसियों का देखा जाए कहीं ना कहीं प्रभाव काफी तेजी से बढ़ रहा है, और फ्रांसीसियों का जब प्रभाव काफी तेजी से बढ़ रहा है तो आपको क्या लग रहा है अंग्रेज कितने दिन शांत बैठेंगे, अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके अंग्रेजों ने क्या किया, अब मोहम्मद अली और
नासिर जंग का उन्होंने क्या कर दिया, अब उन्होंने अपना समर्थन देना क्या कर दिया। अभी तक पूरी तरीके से देखा जाए तो अंबूर के युद्ध में अंग्रेज इन्वॉल्व नहीं हुआ करते, लेकिन अब जब प्रभाव उनका बढ़ रहा है, किसका प्रभाव बढ़ रहा है, फ्रांसिसियो का प्रभाव बढ़ रहा है, तो इन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने क्या है, अब जंग का भैया ऐलान कर रहे हैं। और जंग का ऐलान कर रहे हैं 1750 के आसपास, 1750 में ही नासिर जंग ने अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, ठीक है। और उसने देखा जाए तो जो त्रिगुट शक्ति हुआ करती है, त्रिगुट शक्ति कौन, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांस की शक्ति है, इनको क्या कर दिया, नासिर जंग ने पराजित किया। पहले युद्ध में अंग्रेज से पराजित हो रहे हैं, मद्रास भी नहीं बचा पा रहे हैं, लेकिन दूसरा युद्ध में देखिएगा कि 3-4 साल के अंतर ही क्या परिवर्तन आ रहा है। नासिर जंग क्या है, नासिर जंग को अंग्रेज कहेंगे आप कर्नाटक पर आक्रमण करिए, हम आपके साथ आ रहे हैं, और परिणाम यह मिलेगा कि नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांस की जो ये शक्ति हुआ करती थी, इसको क्या कर देंगे, पराजित करेंगे, ठीक है। लेकिन पराजित किया तब तक तो ठीक, लेकिन इसी समय सेना में हो जा रहा है विद्रोह, और किसी नासिर जंग क्या कर दी नासिर जंग की हत्या कर दी, और इसी का लाभ उठा करके फ्रांसिस्को ने मुजफ्फर जंग को क्या बना दिया भाई, वहां पे कोई दावेदारी है। तो अब क्या है, देखिए अनवरुद्दीन जो था, अनवरुद्दीन को मार डाला, षड्यंत्र रच करके नासिर जंग को मरवा दिया, विद्रोह करवा के मरवा दिया। अब यानी कि दक्कन का सूबेदार या कह सकते हैं हैदराबाद के जो निजाम बनेगा, अब वो कौन बनेगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि फ्रांसिसियो के सहयोग से, ये पूरी स्टोरी अब एक एक पॉइंट लिखवा नहीं पाएंगे, पूरी स्टोरी लिखिएगा कि 1750 में नासिर जंग ने अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, और उसने त्रिगुट शक्ति को पराजित किया। और उसने क्या किया, त्रिगुट शक्ति का क्या किया, त्रिगुट शक्ति को पराजित किया। चलिए लिखिएगा, नासिर जंग अटैक ऑन कर्नाटका विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स इन 1750 एंड ही डिफीटेड जॉइन मिलिट्री। इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया, इन्होंने क्या कर लिया, ठीक है। दक्कन का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया, दक्कन का सूबेदार किसे नियुक्त कर दिया गया, दक्कन का सूबेदार, ठीक है, नियुक्त कर दिया गया मुजफ्फर जंग को। अब जो अगला सेंटर बन रहा है, अगला सेंटर कहां बन रहा है, अगला सेंटर बनेगा तृष्णापल्ली। अब असली जो संघर्ष शुरू होगा वो किसके लिए संघर्ष होगा, तृष्णापल्ली के लिए। और तृष्णापल्ली में हमने अभी आपको बताया कि मोहम्मद अली ने क्या लिया, भाग करके वहां शरण लिए। अच्छा, भाग करके शरण लिए तो वहां पर किसका शासन रहेगा, वो किसके कंट्रोल में रहेगा भाई। अगर वो फ्रांसीसी के कंट्रोल में रहता तो क्या आपको लगता है कि मोहम्मद अली वहां जाता, कतई नहीं जाता। तो यानी कि तृष्णापल्ली किसके कब्जे में हुआ करता था, तृष्णापल्ली अंग्रेजों के कब्जे में हुआ करता था, और जो अंग्रेजों के अधिकार हुआ करता था। अब जो अगला कदम था, क्योंकि फ्रांसीसी अभी तक देखा जाए कि फ्रांसीसी क्या हो रहे हैं, भारी पड़ रहे हैं अभी तक। अब यहां पर क्या है कि डुप्ले कहीं ना कहीं चाहता था कि तृष्णापल्ली पर भी क्या कर लिया जाए, अधिकार कर लिया। तो अब शुरू होगा यहां पर संघर्ष, किसके लिए संघर्ष होगा, तृष्णापल्ली, किसके लिए संघर्ष शुरू होगा, तृष्णापल्ली के लिए क्या है, संघर्ष शुरू होगा। अभी तक अंग्रेज थोड़ा सा शांत थे, 1750 में थोड़ा सा एक्टिव हुए। लेकिन आपने क्लाइव का नाम सुना होगा आप लोगों ने, लॉर्ड क्लाइव बोल देते हैं अक्सर, हम उसको बंगाल से जोड़ते हैं, ठीक है। हाँ, 1750 ने देखा जाए तो वो संधि वगैरह करवा रहे हैं, फिर आगे चलकर क्लाइव फिर से वापस आता है। 1765 में वो इलाहाबाद की जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, मुगल बादशाह और अवध के नवाब के साथ जो संधि होती है, हम उसको, लेकिन क्लाइव की एंट्री बहुत पहले हो चुकी, क्लाइव की एंट्री फ्रांसीसी संघर्ष में हुई थी 1752 ईस्वी, देखा जाए क्लाइव था। अब क्लाइव क्या है, काफी हद तक शांत बैठा था, तो क्लाइव के नेतृत्व में 1752 ईस्वी क्लाइव ने अर्काट पर क्या कर दिया, अर्काट पर क्या कर दिया, पर अधिकार कर लिया। और अर्काट क्या हुआ करती थी, अर्काट कर्नाटका की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। क्लाइव ने क्या किया, क्लाइव ने अर्काट को जीत लिया। क्लाइव ने क्या कर लिया,
क्लाइव ने अर्काट को जीत लिया, और जब क्लाइव ने अर्काट को जीत लिया तो यही से देखिए डुप्ले के अंदर थोड़ा सा क्या है अब आ जाएगा कि अब अर्काट पे अगर कब्जा किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया है। यही कारण है कि वो तृष्णापल्ली पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि तृष्णापल्ली पर अधिकार किसका हुआ करता था, तृष्णापल्ली पर अधिकार अंग्रेजों का हुआ करता था। तो अंग्रेज अब डुप्ले ने कहा कि अर्काट अगर हमारे हाथ से जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका बदला कहां पर निकालेंगे, तृष्णापल्ली पर निकालेंगे। इसका बदला कहां करेंगे, तृष्णापल्ली पर है, ठीक है। तो तृष्णापल्ली जो कि अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में था, ये किसके कब्जे में हुआ करता था, पर अधिकार किसका था, पर अंग्रेजों का हुआ करता था। अधिकार कौन स्थापित करना चाहता था, अधिकार इस पर फ्रांसीसी इस पर क्या करना चाहते थे, अधिकार चाहते थे, ठीक है। लेकिन ये उल्टा पड़ गया, फ्रांसीसी को तृष्णापल्ली में हार का सामना करना पड़ा। फ्रांसीसियों को क्या करना पड़ा, फ्रांसीसियों को तृष्णापल्ली में हार का सामना करना पड़ा। और जब ये पता चला कि तृष्णापल्ली में फ्रांसीस हार हुई है, चंदा साहब भाग करके कहां चले गए, तंजौर, तंजौर में गए, और तंजौर में चंदा साहब की क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है, हत्या कर दी। एक पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है, 1752 ईस्वी के अंग्रेजों का इस पर तृष्णापल्ली पर अधिकार हुआ करता था। पॉइंट इसमें 1752 ईस्वी में लॉरेंस के सामने, या लॉरेंस ने फ्रांसीसी सेना को तृष्णापल्ली में पराजित किया। लॉरेंस कौन हुआ करता था, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है, जो लीडर ऑफ इंग्लिश ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, उसने क्या किया, लॉरेंस ने फ्रांसीसी सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। स्टेटमेंट आप बोलिए क्या, वो फ्रांसीसी सेना पराजित हुई, फ्रांसीसी को लॉरेंस ने पराजित किया। और ये जैसी जानकारी चंदा साहब को मिली, चंदा साहब भाग करके तंजौर पहुंचे, तंजौर में उनकी क्या कर दिया, तंजौर के राजा ने उनकी हत्या कर दी। और यहीं से कहीं ना कहीं फ्रांसीसी अब पूरी तरीके से कमजोर पड़ रहे हैं, ठीक है, फ्रांसीसी अब क्या है, पूरी तरीके से कमजोर पड़। इसी बीच में युद्ध के बीच में ही क्या होगा, युद्ध के बीच में ही डुप्ले को क्या कर लिया जाएगा, डुप्ले को वापस बुला, और डुप्ले के जाते ही क्या कर जाएगी, फ्रांसीसी सेना कमजोर पड़ जाएगी। पॉइंट को लिख लिया, 1752 ईस्वी में तृष्णापल्ली में लॉरेंस ने फ्रांसीसी सेना को पराजित किया, चंदा साहब भाग कर तंजौर पहुंच, तंजौर में इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी, तंजौर में इनकी क्या कर ली जाएगी, हत्या कर ली जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं अब फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण या सरेंडर करने के लिए क्या हो रहा, मजबूर होना। चंदा साहब अनवरुद्दीन के बहनोई हुआ करते थे, बहनोई इन द सेंस बहन के हस्बैंड, ठीक है। अनवरुद्दीन पहले मारा जाता है, बाद में उसको कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है, किसको, कर्नाटक का नवाब चंदा साहब बन जाएगा, मोहम्मद अली, हाँ, फादर ऑफ अनवरुद्दीन। और इसके बाद जो इसका पुत्र आएगा मोहम्मद अली, वो अनवरुद्दीन का ये बहनोई हुआ करता था चंदा साहब, ठीक है, चंदा साहब, चंदा साहब का सॉरी अनवरुद्दीन का बेटा कौन हुआ करता था, अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली हुआ करता था। मोहम्मद अली अभी हमने आपको बताया था कि जब अंबूर का युद्ध लड़ाया था, अंबूर के युद्ध में उसने जाकर के कहां पर शरण ली थी, तृष्णापल्ली में शरण ली, तृष्णापल्ली में यहां पर क्या है, हाँ, ब्रदर इन लॉ अनवरुद्दीन, ठीक है। चंदा साहब क्या करते हैं, तंजौर पहुंचते हैं, तंजौर में इनकी क्या है, तंजौर के राजा के द्वारा क्या कर दिया, इनकी हत्या कर लिया। अब इसी समय क्या हो रही है कि हमने आपको बताया कि फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी हुआ, फ्रांस के जो अधिकारी थे वो डुप्ले की जो नीति हुआ करती थी काफी ज्यादा उन्होंने क्या आलोचना करी, और ये बुलाया गया कि भाई डुप्ले क्या कर रहा है, डुप्ले अपनी राजनीति वहां पे सिद्ध कर रहा है। यही कारण था कि डुप्ले को क्या कर लिया गया, डुप्ले को वापस बुला लिया गया। और डुप्ले को वापस बुला करके डुप्ले के स्थान पर देखा जाए, डुप्ले के स्थान पर कोदहे को क्या किया, कोदहे को फ्रांस का गवर्नर बनाया, ठीक है, फ्रांस को क्या कर बनाया गया, इसको गवर्नर बनाया गया 1755 ईस्वी में, ठीक है, 1 अगस्त
1754 में यह आता है, डुप्ले के स्थान पर गोदहे आता है और फिर आगे चल करके गोदहे, ठीक है। अगला जो गवर्नर आएगा डुप्ले के बाद, जो गवर्नर आएगा फ्रांसीसी, उसका नाम गोदहे होगा। और गोदहे जब आता है तो वो क्या है, स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। अंततः पांडिचेरी की संधि होती है और पांडिचेरी की संधि के पश्चात क्या होता है, द्वितीय युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अगर युद्ध का परिणाम अगर देखा जाए, युद्ध का परिणाम देखा जाए तो युद्ध का परिणाम यह निकलेगा कि डुप्ले को क्या कर लिया गया, डुप्ले को वापस बुला लिया गया। और 1755 ईस्वी में क्या हो रही है, 1775 ईस्वी और पांडिचेरी की संधि के पश्चात क्या करेगा, कर्नाटक युद्ध क्या हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त होता है। हाँ इसमें ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इसके हम रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट में अगर आप लिखना चाहें कि डुप्ले को वापस बुला लिया गया, ठीक है, अंग्रेज विजयी रहे इस युद्ध में, अंग्रेज इस युद्ध में क्या रहे, विजयी रहे। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक का नवाब कौन बनेगा, कर्नाटक का नवाब अब कौन, मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बनेगा। मोहम्मद अली कौन हुआ करता था, अनवरुद्दीन का बेटा, क्योंकि चंदा साहेब अब मृत्यु हो जाएगी, अंग्रेज युद्ध में भारी पड़ जाएंगे तो भाई जिस अंग्रेज जिसको चाहेंगे, अब अंग्रेज के फेवर वाला है, ठीक है, अंग्रेज ने किस, मोहम्मद अली के पक्ष में हुआ करता था, तो इसको क्या कर दिया गया था, तो बनाया गया। प्रथम युद्ध किससे शुरू हुआ था, प्रथम युद्ध की जो प्रथम कर्नाटका युद्ध थी समाप्ति किस संधि के थ्रू हुई थी, एक्सलॉस एफएल की हुई। दूसरा कर्नाटका युद्ध हो रहा है उसकी समाप्ति कैसे हो रही है, ठीक है, पांडिचेरी की संधि के साथ हो रही है। इस संधि में यह बात कहा गया भैया, अब हम भारतीय राजा जो हैं उनके झगड़ों में क्या है, हम भैया अपनी अपनी राजनीति रोटियां नहीं सेकेंगे, ये कहा गया। ऐसा कहा गया कि भैया भारतीय राज्य जो नरेशों के झगड़े हैं उसमें क्या करेंगे, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करें। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कि हम चर्चा करने वाले तृतीय कर्नाटक, और तृतीय कर्नाटक का युद्ध देखा जाए तो इसका भी कारण यूरोप में बनेगा। तृतीय कर्नाटक का युद्ध कब से कब तक हुआ, अगर देखा जाए मोटा मोटा तो 1756 लेकिन 1756 से 1763 तक, लेकिन इसका जो फाइनल माना जाता है वाडीवास का युद्ध है, और वाडीवास नामक स्थान पर युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजी क्या अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को क्या किया, पराजित किया, और जिसके माध्यम से क्या हो जाता है कि उसी समय एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का भारत में भाग्य तय कर दिया था, भैया अब आगे आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको बुरिया बिस्तरा उठा के जाना पड़ेगा। तो वो इसका ऑप्शन भी यही होगा कि वो कौन सा युद्ध हुआ करता था, वो युद्ध हुआ करता था वाडीवास का युद्ध, ठीक है, वाडीवास का युद्ध। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एक हमने आपको बताया कि पहला जो कर्नाटका युद्ध हुआ करता था, पहला कर्नाटका युद्ध की शुरुआत भी यूरोप से हुई थी, यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को क्या हुआ, उत्तराधिकार को लेकर के प्रश्न हुआ था, और पहला ही कर्नाटका युद्ध की समाप्ति भी यूरोप में हुई थी, यूरोप के में हुई संधि के उपरांत हुई थी। तृतीय में हुआ क्या कि 1756 के आसपास में यूरोप में सप्तवर्षीय संघर्ष आरंभ हो, संघर्ष था आपस में यूरोप के देशों के साथ, उस संघर्ष हुआ, और उसका क्या हुआ, उस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि भारत में जो फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य जो शांति समझौता हुआ करता था वो क्या हो गया, यहाँ पर भंग हो गया, ठीक है, एक ये कारण हो जाएगा। दूसरा कारण ये हो जाएगा, ठीक है, कि क्लाइव, नाम तो सुना है क्लाइव, तो भी हमने आपको बताया, क्लाइव और वाटसन ये अंग्रेज गवर्नर ही हुआ करते थे, इन्होंने क्या कर लिया, हमने आपको बताया होगा कि फ्रांसीसियों का बंगाल में एक बस्ती हुआ करती थी, फैक्ट्री हुआ करती थी, बताया था चंद्रनगर में इन्होंने स्थापित किया, चंद्रनगर में स्थित जो फ्रांसीसियों की बस्ती थी उस पर अंग्रेजों ने, या कह सकते हैं क्लाइव और वाटसन ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया। एक्चुअली अगर इस युद्ध का तात्कालिक कारण पूछा जाए तो यही था कि जो फैक्ट्री हुआ करती थी चंद्रनगर में, जो उनकी बस्ती हुआ करती थी उस पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया। तो दो इसके कारण है, तो दो कारण है, हाँ सप्तवर्ष, दूसरा क्या हुआ, बंगाल में क्लाइव वाटसन द्वारा चंद्रनगर पर अधिकार, चंद्रनगर सेवेंथ ईयर का जो इनका संघर्ष था उसकी प्रारंभ हुआ था, तो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो यहाँ पर यूरोप आरंभ हुआ था, यूरोपीय देशों के, क्लियर। आप जान रहे हैं ये ऐसा साल था 1756
बात करिए, बंगाल में बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म में अंग्रेज आ चुके थे। राजद्दौला जैसा व्यक्ति उस समय बंगाल में शासन था, और वहां पर क्या है, वहां पर एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचा जा रहा था सिराजुद्दौला के मन। और आपको बताओगे 1756 और 57 में, 1756 में कालकोठरी की घटना भी हो रही है, कालकोठरी की घटना भी हो रही है, और उसी समय क्या हो रहा है कि अंग्रेज काफी ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं और वो सिराजुद्दौला को सीधा संघर्ष करने के लिए क्या है तैयार कर रहे हैं। और यहां तक कि कहा जाता है कि सिराजुद्दौला को खरीद लिया गया था, वहां के जो बंगाल के अमीर हुआ करते थे, बंगाल के जो सेनापति हुआ करते थे, बंगाल में जो कमांडर वगैरह थे, बंगाल के जो व्यापारी थे, उन्होंने नवाब को बेच दिया था अंग्रेजों, इतने स्ट्रांग फॉर्म में हुआ करते थे। तो उन्होंने जब चंद्रनगर की बस्ती पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, तो यहीं से इनकी क्या हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट यहीं से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, अब कहोगे सर चंद्रनगर इतना इंपॉर्टेंट क्यों कहा, व्यापारी कोट चंद्रनगर के पास में बालासोर भी को देखा था। और इस युद्ध का अगर देखा, कब से शुरुआत हो रही है, अगर देखा लड़ाई क्यों लड़ा गया, अब 1760 ईस्वी में वाडीवास का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, ये माना जाता है निर्णायक लड़ाई या कह सकते हैं, इसी में इनकी शक्ति क्या है ये पता, ये सीधा डायरेक्ट इस बार लड़ेंगे। ठीक है, ये युद्ध जो लड़ा जाएगा वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा जाएगा। अगर देखा जाए अंग्रेजी सेना का नेतृत्व भारत का राजा, जो छोटे मोटे तो इन्वॉल्व हो ही जाएंगे, बंगाल भी शामिल हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये ऐसा सबके अपने अपने हित रहेंगे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा, आयरकूट अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। और ये क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए मैं हर जगह नहीं बता रहा, लेकिन यहां बता रहा हूं, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, काउंट आयरकूट, आयरकूट काउंट कूट कूट। ठीक है, आयर कूट हुआ करता था। ठीक है, और इसका युद्ध में, ठीक है, वाडीवास का युद्ध क्या है कि किसके मध्य हुआ था बता ही रहे, क्या हुए थे, पराजित हुए, क्या हुए थे इस युद्ध में, कह सकते हैं या ऐसा हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता आयर कूट ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरीके से क्या किया था, पराजित। ठीक है, पूरी तरीके से क्या किया था, पराजित किया। और इस युद्ध में फ्रांसीसी क्या हो रहे हैं, पराजित हो रहे हैं, फ्रांसीसी क्या हो रहे हैं, हार रहे हैं, और यहीं से उनकी पतन की क्या हो रही, यहीं से पतन की क्या हो जा रही है, शुरुआत हो जा 1760 में क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये 63 तक क्यों चला, 63 में एक संधि हो रही है, पूरी तरीके से देखा जाए अंग्रेजों और फ्रांसीस क्या हो रहा है, जो पेरिस की संधि हो रही है वहां पे जो सप्तवर्षीय संघर्ष चल रहा था। ठीक है, अब सप्तवर्षीय संघर्ष कब से शुरू हुआ था, 1756 में शुरू हुआ था। क्यों बोला जाता है सप्तवर्षीय संघर्ष, 1756 में शुरू हुआ था, 1763 तक चला था, पेरिस की संधि हो रही है 1763 में, यानी जो 7 वर्षों का जो संघर्ष था, यही कारण है कि इसको 7 ईयर का है कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा, पेरिस की संधि हुई, किस